हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गोनलाइन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं आप अपना जुपिटर मनी का डेबिट कार्ड कैसे मंगवा सकते हो। मैं हर एक स्टेप आपके साथ बारीकी से शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आप इजिली डेबिट कार्ड मंगवा सको। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलने वाला है। अकाउंट ओपन करने के बाद जो स्टेप रह गया था यानी कि डेबिट कार्ड मंगवाने का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर योर फ्री डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मंगवाने के लिए गाइस आपको दो स्टेप पूरे करने होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला स्टेप जो है डिपॉजिट मनी। सबसे पहले गाइस आपको करना क्या है, आपके इस अकाउंट में यानी कि जुपिटर अकाउंट में कुछ अमाउंट जो है यहाँ पे डिपॉजिट करना होता है। जानकारी के लिए मैं बता दूं, डेबिट कार्ड का जो चार्ज होने वाला है वो ₹0 होने वाला है। लेकिन गाइस, इसके लिए कुछ स्टेप है जो की हमें पार करने होते हैं। तो गाइस, सिंपली हम डिपॉजिट मनी वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं। टैप करने के बाद देख सकते हो यहाँ आपको पेमेंट करने की ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगी। अपने बैंक सेलेक्ट करके आप इस अकाउंट में यानी कि जुपिटर अकाउंट में पैसे ऐड कर सकते हो। मनी ऐड करने की सबसे इजी जो प्रोसेस है वो यूपीआई की है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ यूपीआई नंबर 100 कर रहा है, तो सिंपली हम इसे कॉपी करेंगे तो ये सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है। इसके बाद गाइस आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट्स की एक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने एफआई एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। आप चाहे तो फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम का भी सहारा ले सकते हो। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो वही यूपीआई आईडी मैंने यहाँ पे इंटर कर रहा है। इंटर करने के बाद सिंपली हम पेमेंट्स करने वाले हैं। अब हम ओपन करते हैं जुपिटर मनी के एप्लीकेशन को। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो 500 यहाँ पे ऐड हो चुका है, यानी कि जुपिटर अकाउंट में 500 ऐड हो चुका है। इसके ठीक नीचे आप देख सकते हो डिपॉजिट मनी का एक ऑप्शन दिख रहा था पहले, लेकिन अभी गाइस दिख रहा है डिपॉजिट मोर। यानी कि गाइस, पहला जो स्टेप से हमने पार कर लिया है। इसके बाद आप नीचे देख सकते हो ऑर्डर नाउ का एक ऑप्शन दिया हुआ, तो सिंपली हम इस पर टैप करते हैं। जैसे ही हमने ऑर्डर नाउ वाले ऑप्शन पे टैप करा, टैप करने के बाद आप देख सकते हो एक न्यू पेज ओपन हो जाता है, जिसपे देख सकते हो मेंशन किया हुआ है लेट्स क्रिएट ए डेबिट कार्ड पिन। आपका पासकोड जो है यहाँ पे इंटर कर लेना है। एक बार इंटर करने के बाद दोबारा आप देख सकते हो री इंटर डेबिट कार्ड पिन। तो गाइस, आपको दोबारा फिर से अपने डेबिट कार्ड की पिन यहाँ पे इंटर कर लेना है। इसके बाद गाइस आप देख सकते हो फाइनली एक न्यू पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन किया हुआ है वेट देयर इज मोर, ग्रैब ए स्लीक फिजिकल कार्ड फॉर फ्री। जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैंने जो अभी 500 यहाँ पे डिपॉजिट करा वो अकाउंट में ही रहने वाला है, लेकिन बैंक की टर्म एंड कंडीशंस के साथ हमें फॉलो करने होते हैं। इसके ठीक नीचे आप देख सकते हो आपका शिपिंग एड्रेस यहाँ पे मेंशन रहेगा। तो गाइस, फिलहाल इसकी डेबिट कार्ड की रिक्वायरमेंट मुझे है, तो सिंपली हम गेट वन नाउ वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं। इसके बाद गाइस एक न्यू पेज ओपन हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो स्टार्ट यूजिंग योर कार्ड राइट अवे। अगर आप इस एटीएम कार्ड के थ्रू डोमेस्टिक ऑनलाइन पेमेंट्स करना चाहते हो तो आप यहां पे इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो आप देख सकते हो डोमेस्टिक कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स, तो इस वाले ऑप्शन को भी आप इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो गाइस, फिलहाल इन दोनों ऑप्शन को मैं स्किप करने वाला हूँ। यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स जो है यानी कि इसकी कुछ बेनिफिट्स मेंशन करी है। इस कार्ड का यूज आप किसी भी डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल परचेजेस जैसे कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्टोर्स में आप कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें इस एटीएम कार्ड की विड्रॉल्स की, तो आप देख सकते हो फेडरल बैंक के किसी भी एटीएम से आप अनलिमिटेड टाइम विड्रॉ कर सकते हो, जिसके कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगने वाले हैं। साथ ही साथ गाइस, आप 5 टाइम फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हो किसी भी अदर एटीएम के साथ इन ए मंथ। इसके अलावा अगर हम बात करें इस एटीएम कार्ड की एनुअल या फिर हिडन चार्जेस की, तो आप देख सकते हो नो एनुअल और हिडन चार्जेस, यानी कि कोई भी हिडन चार्जेस और कोई भी एनुअल चार्जेस आपको इस कार्ड से नहीं लगने वाले हैं। इसके ठीक नीचे आप देख सकते हो एक ऑप्शन मिल जाता है फिनिश का, तो सिंपली हम इस पर टैप करते हैं। तो फाइनली गाइस, आपका डेबिट कार्ड कुछ इस तरह दिखने वाला है। साथ ही साथ आप ऊपर में देख सकते हो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है योर डेबिट कार्ड इज ऑन द वे एंड विल रीच यू बाय मंडे 6 दिसंबर। आई होप यू गाइस कि इस वीडियो के जरिए आपको सारी स्टेप्स मालूम हो गई होगी। तो गाइस, सेम स्टेप्स आप अपने मोबाइल से कर सकते हो और आप इजिली अपना डेबिट कार्ड मंगवा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको डेबिट कार्ड ऑर्डर करने की पूरी प्रोसीजर पता चल सके। चैनल पर नए गए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।